भ्रष्टाचार, बलात्कार, महंगाई, गोहत्या, धर्मांतर, आतंकवाद, लव जिहाद, दंगा, समाज में इस प्रकार की समस्या बढ़ रही है। शत्रु राष्ट्र के आक्रमण करने से देश की सीमा लोगों के लिए असुरक्षित हो गई है। इस समस्याओं पर जनजागृति करने के उद्देश्य से शिवाजी महाराज के आदर्शों पर आधारित हिंदू जनजागृति समिति द्वारा शिरढ़ोन गाँव में हिंदू धर्म जागृति सभा का आयोजन किया गया था। सभा के पूर्व आदि क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के के प्रतिमा को गणमान्यों के हाथों पुष्पहार अर्पण किया गया। इस सभा के दौरान वरिष्ठ समाज सेवक माधव जो का सत्कार किया गया। इस सभा के लिए महिलाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति थी। इस सभा के दौरान शिरढ़ोन सरपंच अचला बाजेकर, उप सरपंच राजेंद्र टकले, तंटा मुक्ति समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ भोपी, पूर्व जिला परिषद सदस्य राम भोईर, पांडुरंग मुकादम, कांचन मुकादम, अरुण भोपी, मंगेश वाकड़ेकर आदि गणमान्य उपस्थित थे। या हिंदू राष्ट्राला पन्न निरपेक्ष घोषित करून आपल्या भारतभूमीला कलंकित करून टाकलं आहे। आपली ही वर्तमान लोकशाही आहे। या लोकशाहीला हिंदू धर्माचं अधिष्ठान नसल्यामुळं आज आपलं हिंदू राष्ट्र आणि आपला हिंदू समाज त्याची परम अधोगती होताना आपण बघतो आहोत। आणि ही अधोगती जर आपल्याला रोखायची असेल तर आपल्या भारतभूमीला गत वैभव पुन्हा जर प्राप्त करून द्यायचं असेल तर आपल्या भारतामध्ये धर्मसंस्थापना होणं हे अत्यावश्यक आहे, काळाची गरज आहे। ज्या प्रमाणात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्वपी बाजूला ठेवून जात पात बाजूला ठेवून मावळ्यांचं संघटन केलं आणि हे राज्य व्हावं ही श्रींची इच्छा आहे अशी श्रद्धा ठेवून हिंदवी स्वराज्याची मुहूर्त भेट होईल। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांना देखील आपला पद, पक्ष, संप्रदाय, जात पात हे सगळं विसरून आपल्याला हिंदू राष्ट्र स्थापन करण्यासाठी, हिंदू संघटन करण्यासाठी आणि धर्मालिपित हिंदू राष्ट्राची स्थापना करण्यासाठी 7 ऑक्टोबर 2002 रोजी घटस्थापनेच्या शुभमुहूर्तावर हिंदू जनता